आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका काम क्या होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इसमें आपका कोई लागत नहीं लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इसे आप शेयर भी कर दें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही वीडियो हम आगे भी आप लोग के लिए डालते रहें। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स के बारे में बात किया था, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और हम आज बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हमने आपको बताया था उसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आपका आज जानना है, यानी आपको आज बताया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का, जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसके फंक्शन को समझते हैं कि ये फंक्शन किस प्रकार से काम करते हैं और इनका मूल वर्क क्या होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन की कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो हम देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आने वाला यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके कंप्यूटर एंड यूज़र के मध्य इंटरफेस स्थापित करता है। यानी अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसके कैटेगरी में आता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आने वाला एक ऐसा आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी डिवाइस, यानी कंप्यूटर में जितने भी उपकरण लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, उन सभी को ये क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि क्या करता है, जोड़ता है। और जोड़ने के बाद क्या करता है, ये कंप्यूटर और यूज़र, यानी कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर उपकरण और यूज़र यानी कि संचालक के मध्य, इंटरफेस का मतलब होता है संपर्क, यानी संचालक के मध्य क्या करता है, इंटरफेस स्थापित करता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का होता है जो कंप्यूटर के सभी, यानी कंप्यूटर के सभी उपकरण को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। और जोड़ने के बाद कंप्यूटर और यूज़र के मध्य इंटरफेस स्थापित करता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी बोलते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जो पूछा जाता है कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी का है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी किसके अंतर्गत, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी का है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है, या हम इसको और भी बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो हम बोलेंगे, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो ठीक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आने वाला या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर यूज़र के मध्य इंटरफेस स्थापित करता है। अगर आपको वो फंक्शंस नहीं याद होते हैं, वो डेफिनेशन नहीं याद है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं, छोटे में भी बोल सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं ये कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो प्रोग्राम का एक समूह होता है, उस प्रोग्राम के समूह को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है।
यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी का सॉफ्टवेयर होता है, और जो आपके प्रोग्राम का समूह होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए गए होते हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स उन्हीं निर्देशों के समूह को ही क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्रोग्राम्स की अगर जो हम बात करें तो जैसे सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर में एक ही प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, यानी एक ही काम होता है। जैसे मान लेते हैं एमएस ऑफिस है तो ऑफिशियल वर्क ही हम कर सकते हैं, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। नहीं, आप अगर जो बात करें तो ये जो कलेक्शन है, यानी कि प्रोग्राम का जो एक समूह बनता है, उस प्रोग्राम के समूह को ही क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अगर जो हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये हमारे प्रोग्राम्स के और डिवाइस के इन सब के क्या होते हैं, मैनेजमेंट का काम करता है। यानी जितने भी हमारे प्रोग्राम, यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है तो किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन नहीं चल सकता है। क्योंकि जब सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो उसको चलाने का जो काम होता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे डिवाइस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को संचालित करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। यानी जैसे मान लेते हैं हमारे पास कंप्यूटर तो है, क्या चीज़ है, यानी हमारे पास कंप्यूटर है, सपोज दैट ये हमारा कंप्यूटर है, यानी हमारे पास पूरा एक कंप्लीट कंप्यूटर है, बट उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। जिस प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि हमारा यानी मानव का ये शरीर है, लेकिन इस शरीर में एक ऐसे तत्व की आवश्यकता है, जब तक वह तत्व तो हमारे शरीर में नहीं होगा तब तक हमारा शरीर किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियों का यानी किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकता है। यानी हमारे कंप्यूटर में भी ऐसे ही कुछ मूल तत्व तो होते हैं, कुछ चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है कि अगर जो वह चीज़ हमारे पास यानी हमारे कंप्यूटर में उपस्थित नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं कर सकती हैं। यानी जैसे मानव शरीर से अगर जो प्राण निकल जाता है यानी उनमें जान नहीं होती है तो किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियाँ, यानी शरीर तो है, हमारे शरीर के सभी अंग उपस्थित है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, बट उसमें अगर जान नहीं है, प्राण नहीं है, तो किसी भी प्रकार की क्या कोई गतिविधियाँ होती हैं उसमें, नहीं होती हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हमारे पास कंप्यूटर है, हम उसमें जो भी डिवाइस उपकरण जो भी चीज़ें उसमें जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं, इससे हम स्पीकर मॉनिटर जो भी हमारा मन करे हम उसमें जोड़ सकते हैं, बट अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यानी हमारे उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई भी फंक्शंस हम नहीं उसमें कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियां उसमें नहीं हो सकती है। यानी अगर हमारा कंप्यूटर है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो सभी प्रकार के कार्यों को हम आसानी से कर सकते हैं, और भी अन्य सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के यानी हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं यानी कुछ भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए जान की आवश्यकता होती है, प्राण की आवश्यकता होती है, सेम उसी प्रोसेस में उसी प्रकार से ही कंप्यूटर को जीवित रखने के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें आवश्यकता होती है, किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं इनका जो मूल काम यह है, प्राथमिकता इनका यह है कि कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, सीपीयू हो, सभी को सबसे पहले ये क्या करता है, ये सबको क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा। यानी इसका काम क्या होता है, आपस में कनेक्ट करने का, और कनेक्ट करने के बाद जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तभी क्या होता है, यानी तब जाके यूज़र यानी कि संचालक से इनका संपर्क स्थापित होता है। तो ये इनका काम होता है, यानी कि ये सबसे पहले क्या करते हैं कि कंप्यूटर को संचालित करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। उसके बाद इसमें हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यानी किसी भी प्रकार के हमें काम करने हैं तो उससे रिलेटेड हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं।
हम बात करें अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपके प्रकार की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मूलतः आपके जो है चार प्रकार के होते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है, इसको बोला जाता है सिंगल टास्क, दूसरा होता है सिंगल यूजर मल्टी टास्क, तीसरा हमारा होता है मल्टी यूजर मल्टी टास्क, और चौथा हमारा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इसको शॉर्ट में OS भी बोल सकते हैं, OS जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वह सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी जिस प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं लोगों को उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। का मतलब क्या हो गया? सिंगल का मतलब क्या होता है? एकल, यानी कि एक। और यूजर्स का मतलब क्या होता है? संचालक, यानी यूजर का मतलब संचालक। सिंगल का मतलब एकल, टास्क का मतलब क्या होता है? कार। यानी जिस कंप्यूटर में भी सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाए, यानी जिस प्रकार, यानी कोई भी कंप्यूटर है, अगर उस कंप्यूटर में सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल और केवल, यानी उस कंप्यूटर में केवल ही केवल एक यूजर एक ही कार्य को संचालित कर सकता है। जैसे आज के समय में हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक ही मोबाइल फ़ोन में एक साथ हम लोग दो दो तीन तीन चार चार फंक्शन करते हैं। यानी वीडियो भी चलाते हैं, किसी से चैटिंग भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनते रहते हैं, व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, सेरिट भी चला लेते हैं, वीचैट भी चला लेते हैं, टेलीग्राम भी चला लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये मल्टी फंक्शन हो गए, मल्टी टास्क इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, यानी हमारे उसी मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो उसमें भी क्या होगा? एक बार में केवल एक यूज़र, यानी एक ही संचालक केवल एक टास्क को कर सकते हैं, यानी केवल एक फंक्शन को खोल सकता है, एक से बिल्कुल भी, यानी एक से अधिक नहीं कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका उदाहरण वो है एमएस डॉस। यानी सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कैटेगरी में जो आता है उसका नाम क्या है? एमएस डॉस। यानी एमएस डॉस, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्क, मल्टी यूजर मल्टीटास्क, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने पहले, हम बता रहे हैं आपको सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सिंगल यूजर सिंगल टास्क में हमने बताया कि सिंगल का मतलब होता है एकल, यूजर्स का मतलब होता है संचालक, और